हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के BIOS पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने लैपटॉप के BIOS में पासवर्ड सेट कर देते हैं और कुछ दिनों तक लैपटॉप यूज़ नहीं करते हैं और फिर जब सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको पासवर्ड याद नहीं होता है, या आप पासवर्ड इनपुट करते हैं लेकिन आपका पासवर्ड इनवैलिड बताता है, तो आप उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। चलिए हम अपने पासवर्ड को रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास जो लैपटॉप है वो HP का कॉम्पैक है, प्रसारियो V3000, और इसमें जो BIOS लगा हुआ है वो फोनिक्स का BIOS है। जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पर फोनिक्स का BIOS है और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है और मुझे पासवर्ड याद नहीं है। तो इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करना होगा, और ये कंटिन्यूसली तब तक करना होगा जब तक हमारे डिस्प्ले पर कुछ कोड ना आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे डिस्प्ले पर एक कोड आ चुका है जो कि है 00696। जब तक आपके सिस्टम पर सिस्टम डिसेबल और कुछ कोड ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। और एक कोड आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है, या आप लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं। अब इस मोबाइल फ़ोन में आपको जा करके सबसे पहले किसी ब्राउज़र को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है bios/pw.org। तो यहाँ पर आपको जाकर टाइप करना है bios/pw.org। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जा करके आप डायरेक्टली साइट पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद देखिए इंटर योर कोड पे जाना है, और यहाँ पर आपको अपना कोड प्रेस करना है। तो देखिए मेरा जो कोड है 00696, तो मैं यहाँ पर अपने कोड को इनपुट करूँगा 00690, और गेट पासवर्ड पे क्लिक कर दूँगा। गेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए कुछ पासवर्ड आ जाएगा, तो बारी बारी से सारे पासवर्ड को यूज़ करना है। तो चलिए सारे पासवर्ड को ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पासवर्ड है उस पासवर्ड को ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप ट्राई करके देख लेते हैं। तो सिस्टम को फिर से हमें रिस्टार्ट करना होगा, तो चलिए इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं। और सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है, और इसके पासवर्ड में जाकर के जो सबसे फर्स्ट पासवर्ड था उस पासवर्ड को इनपुट करते हैं। और देखिए जो हमारा BIOS है वो ओपन हो चुका है, और अगर फर्स्ट पासवर्ड से ये ओपन नहीं होता तो हम नेक्स्ट पासवर्ड को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर BIOS ओपन हो चुका है। अब BIOS के सिक्योरिटी सेक्शन में जाना है और यहाँ पर पासवर्ड को क्लियर कर देना है। और यहाँ पर जाकर के आपको लोड सेटअप डिफॉल्ट्स पे क्लिक कर देना है और इस पे प्रेस कर देना है। तो इसी प्रकार से आप अपने किसी भी लैपटॉप के BIOS को ओपन कर सकते हैं और उसके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।